देखो बेटा, अब तुमने जो डिसाइड किया है तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। हम तो हर फैसले में बस तुम्हारे साथ हैं। बेटा, तुम ये कॉलेज छोड़ना चाहती हो तो बेशक छोड़ दो, हम मना नहीं करेंगे। वैसे भी अच्छा है, अपने जिले में भी तो एक कॉलेज है, वहां एडमिशन ले लेना। अब इसी बहाने हमसे हर हफ्ते मिल तो सकोगी, हैं? घर का बना खाना भी खाने को मिलेगा। अब ऐसे उदास काहे बैठी हो तुम, हैं? चलो अपना कॉलेज दिखाओ। अरे उठो भाई, अपना कॉलेज दिखाओ हमको। कॉलेज है भाई तुम्हारा। अरे वाह, ये हुई ना बात। अरे हमारी बेटी का नाम यहां बोर्ड पे लिखा है फोटो के साथ। वाह, हमसे तो बहुत ही अलग हो तुम, हैं? अरे इतना पढ़ाई में होशियार हम कभी भी नहीं थे। अपने पापा से दो कदम आगे हो, हैं? चाहे पार्टी हमारी तरफ से होगी। चल, आ देखी है तुम्हारी कैंटीन हमने। पार्टी तो बनती है, पापा देंगे पार्टी अपनी गुड़िया रानी को, है? चलो, अरे चलो भाई। हाँ, क्या खाओगी? चाय 40। नहीं भैया, पढ़ लेंगे हम, इतने पढ़े लिखे तो हैं, हैं? अरे भैया एक काम कीजिए, 3 वेज पफ दे दीजिए। हाँ, 2 हम बाप बेटी के लिए और 3रा ये भैया के लिए, बहुत मदद कर रहे हैं हमारी। धन्यवाद, ले लीजिएगा। ले बेटा। अरे चलो, चलते चलते बात करते हैं। हाँ, कॉलेज बहुत बड़ा है तुम्हारा, आ गया तुम्हारा कमरा। देहाती, हम अच्छे से समझते हैं बेटा, ये कॉलेज में जो बच्चे लोग पढ़ते हैं, ये हमारे बातचीत करने के तरीके से, हमारे पहनावे से हमको अलग समझते हैं। हम अलग हैं भी, लेकिन बेटा एक बात अच्छे से याद रखना, हम बातचीत में पहनावे में अलग हैं, पर काबिलियत में हम सबके बराबर हैं। तुम जानती हो ये कॉलेज का सबसे बड़ा शब्द क्या है? टापर किसके पास है? हमारी प्यारी गुड़िया रानी के पास। इसलिए मायूस होने का जरूरत नहीं है, दुनिया कुछ भी लिखेगी, कुछ भी मिटाएगी, लेकिन इतिहास तुमको बनाना है। अपनी पहचान, अपनी ताकत तुमको खुद बनानी है। बाकी तुम्हारे पापा पे छोड़ दो, हमने सब सोच रखा है। हम तो बस यही कहेंगे, सर उठा के जियो।